अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कार्ड बांटने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी कि तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पर कार्ड बांटने के लिए। कार्ड अभी तक सबके घर में गए नहीं है, और शादी में सिर्फ 10 दिन ही रह गए, तो बस आज मैं निकल गई थी अम्मी के साथ सुबह सुबह, और अम्मी भी हैं साथ में। वो देखो जा रही हूँ, बस अभी हम लोग पैदल पैदल हैं, रक्षे से उतरे थे तो फिर अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। हम लोगों से थोड़ा घर मिस हो गया है और घर नहीं मिल रहा है। अभी जो अम्मी फोन पे लगी हुई है, बात कर रही हैं। शिमान केब लगाया वो इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना, कितनी प्यारी गली लग रही है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जो है ना हम लोग घर भूल गए हैं, थोड़ा सा मिस हो गया हम लोगों से, इसलिए अभी ढूंढ रहे हैं। पैदल चलने का भूत चढ़ गया, और ये देखें पैदल चल रहे हैं, गोद में आ ही नहीं रहे, और सारे शूज़ भी गंदे कर रहे हैं। बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, मिलते हैं आपसे वहाँ जा के। ढूंढ के भी चले गए ना, यहीं खड़े हुए थे फिर वापस गए, यहीं से गली से वापस गए। फाइनली हम पहुंच गए हैं, अब शुक्र अल्लाह का मिल गए। हाँ वो कहती है मेरे को कॉल कर लिया। इसके बाद हम इनके घर में आए और यहाँ काट दिया, बस ज़्यादा देर नहीं बैठे क्योंकि सब रुक रहे थे नाश्ते पे खाने पे, लेकिन हम नहीं रुके, बस जरी जरी देर रुके और सबको जाके हमने काट दे दिया। हमारा मुन्ना भी रो रहा है, हमारा मुन्ना भी रो रहा है, रो रो को क्या हो गया मेरे बेटे को है? बस 3-4 घरों में दे दिया है, अभी थोड़े से और रह गए घर और देना है इनको। और ये जो है पैदल पैदल चल रहा है आयुष्मान, हाय। हाँ ये है इनके मामू का घर। आओ चलो आ गया घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ये है हमारी अम्मी का महका, यहाँ से हमारी अम्मी की शादी हुई थी, तो यहीं पर ही हम मतलब कि हमारी नानी का ही घर है समझो, बस यहाँ आए फिर उसके बाद जमीला खाला के हैं हम, जमीला खाला के घर ये बैठी हुई हैं और ये सो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपकी प्लास्टिक अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह ये। और मैं अफसोस के साथ बता रही हूँ कि मेरा पाँव मुड़ गया है, मैं भरी मार्केट में गिर गई बहुत तेज़ से, मेरा पाँव मिलेगी बैठी हुई उस तक, मेरा पाँव जो है सूज रहा है हल्के हल्के, बहुत तकलीफ़ हो रही है, पाँव रखा नहीं जा रहा, चमक से उठ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। शादी का दिन है और टाइम टाइम पे मेरे साथ ये हो गया है, और अभी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि जो है यहाँ पर फ़ैन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, शोर बहुत है यहाँ पर। वैसे अभी मैं यहाँ से घर जाऊँगी और पापा से पाँव मलवाऊँगी अपना, मिलते हैं आपसे घर जाके। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। और हाँ मैंने कलर भी लिया है, और अब जाके मैं अपनी बहन से कलर करवाऊँगी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर आ गए, ये खिला रहे हैं इसको और ख़ुद खा रहे हैं, मुझे नहीं खिलाया वरना आप लोगों को पता चल रहा होगा मैंने नहीं खाया। उसके बाद मैं करवा रही थी कलर, और जो है इन लोगों ने मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, तो इसलिए जो है मैंने वॉइस ओवर कर दी है। यहाँ जो है
तो ये हो चुका है कलर, क्या करूँ, मेरे को भी बोलना पड़ेगा ना, कट डाउन हुआ है। हाँ सॉरी भूल गई थी ना, कट डाउन हुआ। अभी वॉश कराने कौन लेके जाएगा, ये तो लंबा की तरह भागेंगे। बस बहुत है आपी, मैं तो कह रही हूँ ऐसे छोड़ दो, जुबा भी कह रही थी ना कि मेरे बाल गोल्डन दिखने चाहिए। कलर नहीं करते, ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पर जो है मेरी बहन ने वॉश करवा दिए थे बाल, और देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, लेकिन जो है अभी सिर्फ कट डाउन हुआ है तो इतना अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है मेरी बहन ने इस पर कलर किया, और मेरे बाल थोड़े बड़े थे तो मेरे को 4-5 घंटे लग गए कलर करवाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी, बाल नहीं निकल रहे थे कैप से, बहुत मुश्किल से निकले बाल। फिर उसके बाद जो है मेरा पाँव मुड़ा हुआ था, दूसरे दिन में गई पाँव से ही करवाने, तो ये मैं आई थी इनके पास। फिर उन्होंने मरहम लगा के पट्टी कर दी थी, उसके बाद हम लोग घर गए। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि शादी का घर है, बहुत सारे मसरूफियात हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।